परेशान कर दिए, मैं मेरे बेटे ने जो खोज हो गया मैं करूंगी। लोकल रहने वाली गिरे दी परमीत कौर, मेरा नाम, मेरा बेटा मनदीप सिंह है। जिधे बंदे ने ना दे हमला की था और ये उस सेटिंग में चिरोला सी सीट था। बीती रात ही हुई है, बेटे ने आवाज मारी है, आवाज मार के जब वो लोग बुलाई तो उधर ही उन्होंने गोलियां तला तला मार देते तीन जाने वेके पिछो पता नहीं किन्ने जाने दो गड्डियां जाते आए ने पता नहीं कौन आ कौन नहीं आ कोई पुलिस वाला नहीं कोई नहीं आया तक कोई बयान नहीं होया भी आए वो मांग करते हैं दोषियों नु बढ़िया जावे छेती तो छेती मेरे बेटे राजबाज हो गया मेरे बेटे कुछ हो गया मैं बहुत दुखी। नाम गुरपिंदर कौर है ते मैं इत्थे जीरे लोकल ही रहन वाली हाँ। तो कल सोसायटी की एक सेल्समैन की जॉब निकली सी जिहड़ा कि उत्थे उन्हां दा कोई लड़ाई झगड़ा होया वा। उस तो बाद रात नू जदों मेरे हसबैंड घर आए आ तो वीर मेरा पापा हॉस्पिटल से उन्होंने चाह दे गया वा छोटा देवर तो उन्होंने दसिया कि बंदे फिरते पे आ रास्ते उन्होंने कोई आपस से गल हुई आ। उस तो थोड़ी देर बाद ही मेरे हसबेंड बाहर आए आ, दरवाजा नॉक होया वा साडा मेन गेट तो कुंडा नहीं सी उहदा वज्जा होया उदे ही बंद सीगा ते वो बाहर आए आ। तो मम्मा ने भी आवाज़ दिती कि बाहर कोई आया वा तो जदों वो उठ के बाहर ही आए तो पिछों ही गोलियां की आवाज़ आई आ। मम्मी गए आ भज के बाहर, उस तो बाद मैं गई हाँ एंड दो बंदे मैं भज के जाते देखे बाहर उन्होंने मूँह बन्ने हुए सी। तो तीजा बंदा मेरे हसबैंड के डंडे दे नाल बहुत जोर जोर ना मार रहा सी, उन्होंने बहुत खून निकल रहा सी थां थां तो पैर तो भी सिर के विचों भी। तो मेरे जदों मैं उन्होंने चक्या तो उन्हों का पिछों सिर जिहड़ा सी मेरे हत्थां च सी मेरे पूरे हथ खून नाल भर गए और मेरे को चक्या नहीं गया उन्होंने। उन्होंने पता नहीं चार गोलियां मारियां मेरे हसबैंड दे एक कहिंदे पट्ट विच वा ते लत्त दा ते मैनूं पता लत्त च भी लगी आ, हत्थ च ते एक पिछों दी लगी आ लक तो जो कि पेट दे अंदर चले गई आ। हुण उस तो बाद उन्होंने सिविल लैके गए आ साडे इत्थों नाल गवांडियां दे मुंडे ते सिविल तो उन्होंने रैफर कर दिता गया वा फरीदकोट तो भी हुण उन्होंने अगे DMC रैफर कर दिता वा। तो अजे तक पुलिस नहीं आई साडे घर, कोई कार्रवाई नहीं हुई, पता नहीं पुलिस कित्थे सुत्ती पई। किन्ने बजे दी घटना जी? ये रात 11:15 दी घटना वा, रात दी घटना हो गई होवे ते पुलिस घर ना आई होवे कार्रवाई करन, कोई बंदे नूं घर आ के कोई मार गया वा गोलियां मार के चले गया वा, की सेफ्टी आ? पुलिस किस काम लई बैठी है इत्थे? की मांग करदे हो? मांग करदे एटलीस्ट कार्रवाई करन, दोषियों नूं फड़न। मेरे हसबैंड नूं इन्ना भी पता भी किन्हां ने गोलियां चलाईयां वा, उन्हां नूं सब पता वा, कोई कार्रवाई नहीं हुंदी पई। उन्हां दे बयान लैण तक नहीं कोई गया फरीदकोट, उत्थे भी नहीं उन्हां दे बयान होए। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਨਸ਼ਾਟ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਗਨਸ਼ਾਟ ਹੋਏ, ਮਲਟੀਪਲ ਗਨਸ਼ਾਟ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ 11:30 ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਲੈਗ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਲੈਗ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਹੈਂਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ 11:30 ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਇੰਜਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੋਸਪਿਟਲ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਆ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।